नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट धनंजय कुमार द्विवेदी एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज 10 आईपीसी की धाराओं का ज्ञान दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर से सुनिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें मैं आप लोगों को 10 धाराओं का पूरा नॉलेज है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, टाइम बर्बाद ना करते हुए। नंबर एक, आईपीसी की धारा 376, इसका मतलब होता है बलात्कार के लिए दंड। नंबर दो, आईपीसी की धारा 313, इसका मतलब ये होता है बिना सहमति के गर्भपात करवाना। नंबर तीन, आईपीसी की धारा 140, इसका मतलब यह होता है आर्मी का पोशाक पहनना। नंबर चार, आईपीसी की धारा 320, इसका मतलब होता है गंभीर चोट पहुंचाना। नंबर पाँच, आईपीसी की धारा 201 का मतलब होता है सबूत मिटाना। नंबर सिक्स, आईपीसी की धारा 309, इसका मतलब होता है आत्महत्या की कोशिश करना। और दोस्तों, आप लोग कभी भी कोई आत्महत्या की कोशिश करने की इच्छा मत करिएगा, क्योंकि ये अपने ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। नंबर सात, आईपीसी की धारा 310 का मतलब होता है ठगी करना। नंबर आठ, आईपीसी की धारा 396 का मतलब होता है डकैती के दौरान हत्या। इसका मतलब ये है जब कोई व्यक्ति किसी के घर में डकैती डाल रहा है और अगर उस दरमियान किसी की हत्या कर देता है तो इसमें आईपीसी की धारा 396 लगेगी। नंबर नौ, आईपीसी की धारा 302 का मतलब होता है हत्या के लिए दंड देना, मतलब कि हत्या का दंड। नंबर 10, आईपीसी की धारा 307 का मतलब होता है हत्या की कोशिश करना है, मतलब कि ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को इस उद्देश्य से मारते हैं कि वो जान से मर जाए, उसकी मौत हो जाए, परंतु वो मरता नहीं है, बच जाता है। तो इस अवस्था में आईपीसी की धारा 307 का प्रयोग होता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग नए हैं वो चैनल में तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछें, पूरी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।